इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने खुद का ब्यूटी एंड गुडनेस स्टोर स्टार्ट किया है ग्लोफिट पे, जहाँ पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद हैंड पिक करे आप सभी के लिए। ये सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है, 100% नेचुरल चीज़ों से बने हैं। सो आप भी इन सारी चीज़ों को बाय कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट टाइम ग्लोफिट से बाय करते हो आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिल जाता है मेरी तरफ से। उसके साथ साथ अगर आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हो तो उसमें आपको 50 रुपीज़ बोनस मिल जाएगा, जिसे आप इन फ्यूचर कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए रिडीम कर सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट एन एक्साइटिंग ऑफर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है रिव्यू वीडियो। सो मैं इसमें आप लोगों के लिए एक हेयर ऑयल लेकर आई हूँ। सो आपने बेला विटा ऑर्गेनिक्स का नाम तो सुना ही होगा। सो मैंने इसे कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैंने सोचा इसका रिव्यू दे दिया जाए कि मुझे प्रोडक्ट कैसा लगा है, ये कैसे वर्क करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखती है। सो थोड़ा सा हम ब्रांड के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये क्या है। सो इसमें आपको कोई भी पैराबिन्स नहीं मिलेंगे, कोई हार्श डिटर्जेंट्स नहीं है इसमें, और नो सल्फेट्स। यहाँ पे इसकी सारी चीजें मेंशन्ड है। ये बिल्कुल भी एनिमल टेस्टेड नहीं है। ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये मेनली यूज होता है सिल्की स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए, स्कैल्प एंड हेयर ऑयल। सो इसमें आपको मिल जाता है की इंग्रेडिएंट्स, मैं बता देती हूँ। बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें आपको मिल जाती है कॉफी बीन्स, आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, अनियन एंड हर्ब्स। सो ये मेनली यूज होता है टू प्रोमोट हेयर ग्रोथ, कंट्रोल हेयर फॉल एंड बैलेंसेज योर स्कैल्प एंड नरिशेज योर हेयर। हेयर ऑयल सारे हेयर टाइप वाले यूज कर सकते हैं। और ये बेला विटा ऑर्गेनिक्स वैसे भी आपको पता है 100% ऑर्गेनिक चीजें बनाता है। इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं होते, पैराबिन्स नहीं होते हैं, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे आपको एक बारकोड मिल जाता है जिसको स्कैन करके आप देख सकते हो कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कहीं आपको फेक प्रोडक्ट तो नहीं मिला है। सो इसमें आपको 225 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। और जो इसका प्राइस है आई थिंक 449 इसका, नहीं 499 इसका प्राइस है। और ओपन करने के बाद 18 महीने तक आप इसे यूज कर सकते हो। तो इनर पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हो। पैकेजिंग काफी अच्छी है, सी थ्रू है। और मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगी, इसमें कॉफी बीन्स है, आप देख सकते हो इसमें कॉफी बीन्स दिख रहे हैं। सो ये मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगी इनकी पैकेजिंग और काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंट सी एडिशन देख के, कॉफी बीन्स देख के। सो ये जो हेयर ऑयल है इसमें काफी सारे ऑयल्स है, तो थोड़ा सा मुझे इसका जो कंसिस्टेंसी है थिक लगी, चिपचिप नहीं है बट हल्का सा, जैसे आपने देखा होगा कैस्टर ऑयल है जब आप इसे बालों में लगाते हो तो थोड़ा सा थिकनेस सी लगती है बालों में, हल्का सा लगेगा क्योंकि इसमें ब्लेंड ऑफ ऑयल्स है। सो इस तरह के हेयर ऑयल्स मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ आपको यूज करना। अगर आपके बालों में लाइक हेयर फॉल हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बाल बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। वैसे भी आजकल आपको पता है इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बाल बहुत ज्यादा रफ एंड ड्राई हो रहे हैं। सो डेफिनेटली आप इस ब्रांड को चेकआउट कर सकते हो। मैंने खुद इसे ट्राई किया है, आप देख सकते हो मेरे बाल काफी ज्यादा सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं। इसे लगाने के बाद मेरे बाल काफी ज्यादा सिल्की हो जाते हैं, काफी अच्छी शाइन आती है और बालों से इजीली निकल जाता है। लाइक वन वॉश में ही ये बालों से निकल जाता है। ये फ्रेगनेंस है ना, बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस नहीं है इसमें। अगर आपने कभी भृंगराज ऑयल यूज किया है ना, वैसी फ्रेगनेंस है। बट भृंगराज ऑयल की जो फ्रेगनेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बट इसकी फ्रेगनेंस मुझे काफी ज्यादा माइल्ड लगी। कंसिस्टेंसी दिखा दूं आपको, वैसे मैं यूज करके भी आपको उसको दिखाने वाली हूँ आप इसे यूज कैसे कर सकते हो। वैसे हेयर ऑयल्स तो सारे वैसे यूज होते हैं जैसे हेयर ऑयल्स होते हैं। सो इसमें आपको अंदर से ये लिड मिल जाती है जिसे आप अच्छे से लाइक बंद करके रख सकते हो और ट्रैवल भी कर सकते हो इसके साथ। सो आप देख सकते हो मेरे पाम में कितना बिल्कुल भी देखो चिपचिप नहीं है, हल्का सा आपको ये लग सकता है, थोड़ा सा थिक लग सकता है। अगर आप कुछ ऐसा हेयर ऑयल ढूंढ रहे हो जो 100% ऑर्गेनिक चीजों से बना है, अच्छी अच्छी चीजें है, उसमें कोई सल्फेट्स नहीं है, कोई भी पैराबिन्स नहीं है, आपके बालों को अच्छे से लाइक ग्रो करे, अच्छे से आपके बाल थिक हो, लॉन्ग हो, शाइनी हो, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। इसे आप लाइक नहाने से 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो या 1 दिन पहले भी लगा सकते हो। सो अगर मेरे पास टाइम है तो मैं 1 दिन पहले लगा लेती हूँ, और अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहाने से आधे या 1 घंटे पहले लगाती हूँ। उसके बाद अपना कोई भी शैम्पू यूज कर लेती हूँ और अपने बाल को कंडीशन करती हूँ। सो आप देख सकते हो मेरे बाल कितने ज्यादा स्मूथ एंड सिल्की एंड आप देख सकते हो मेरे बिल्कुल भी स्प्लिट एंड्स नहीं है क्योंकि मैं हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती हूँ। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि मेरे बाल इतने थे कुछ टाइम पहले, मैंने कटवाए थे और आप देख सकते हो अब कितने लंबे हो चुके हैं। इट्स जस्ट कि आपकी डाइट और आप क्या बालों में लगा रहे हो वो मैटर करता है। सो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। कॉफी वैसे ही हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। सो या गाइस दैट्स अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।